हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। पति से शर्म और प्रेमी से बेशर्म। सपना की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसका पति विनोद उससे 12 साल बड़ा था। उसे इस बात का मलाल हमेशा से था। वो हम उम्र से शादी करना चाहती थी, ना कि अपने से इतनी बड़ी उम्र के लड़के से। इस शादी से वो खुश नहीं थी, पर सपना के पापा बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे और इस कारण घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। सपना के पिताजी को विनोद का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती ही सपना की शादी विनोद से करा दी। विनोद सपना को रखता तो बहुत अच्छा था, उसका पूरा ध्यान रखता था और उससे बहुत प्यार करता था, पर सपना अभी पूरी तरह विनोद से खुल नहीं पाई थी। उसमें बचपना बहुत ज्यादा था, इसीलिए अगर विनोद उसे कभी किसी बात के लिए समझाता तो उसे बहुत बुरा लग जाता कि ये पति कम और पिता ज्यादा है मेरा, बात बात पर मुझे पापा जैसे डांटता है। ऊपरी तौर पर सपना पत्नी होने के सभी धर्म निभा रही थी, पर पति के साथ होकर भी मन से वो हमेशा अकेला ही महसूस करती थी अपने आप को। उसे कई बार ऐसा लगता कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे समझता, कोई हम उम्र जिसके साथ मैं अच्छा महसूस कर पाती, पर मन महसूस कर रह जाती। देखते ही देखते शादी को 2 साल हो गए और सपना को एक बेटी भी हो गई। धीरे धीरे सपना भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। विनोद के ऑफिस में एक दिन एक नए लड़के देवेश का ट्रांसफर हुआ। देवेश उसका जूनियर था और दूसरे शहर का था। वो विनोद की उम्र से बहुत ज्यादा छोटा था, पर दोनों की अच्छी बनने लगी थी। अपना घर दूर होने की वजह से देवेश कभी कभी विनोद के घर आता था। विनोद के घर आने पर देवेश को बहुत अच्छा लगता था। वो विनोद की बेटी के साथ खेलता था, कभी कभी शाम का खाना भी वो वहीं पर ही खाता था। और धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। शाम का खाना देवेश रोज विनोद के घर ही खाता था। सपना भी देवेश के आने से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उन दोनों में दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। सपना तो ये भी सोचने लगी थी कि काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो अच्छा होता। वो देवेश और विनोद की तुलना करने लगी और वहीं विनोद अपने दोस्त देवेश और अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, इसीलिए उन दोनों के घुलने मिलने से भी विनोद को कोई भी आपत्ति नहीं हुई थी। अब तो देवेश छुट्टी वाले दिन भी पूरे पूरे दिन विनोद के घर पर ही रहता था। सपना को कुछ मार्केट के काम होते तो भी देवेश और सपना साथ में ही जाते थे। विनोद घर पर ही बच्ची के साथ रहता था, क्योंकि विनोद को छुट्टी वाले दिन घर पर रहकर अपनी बच्ची के साथ खेलना और आराम करना ही ज्यादा पसंद था। और सपना को ऐसे में अगर मार्केट जाना पड़ता तो विनोद को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब देवेश के होने से उसे ये लगता था कि चलो मेरी टेंशन तो खत्म हो गई, अब देवेश ही सपना के साथ मार्केट के सारे काम निपटा देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि टेंशन कम नहीं हुई बल्कि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसकी उसे भनक तक नहीं है। देवेश सपना की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो ये बोल चुकी थी कि वो एक शादीशुदा औरत है और शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की मां भी है। देवेश कुंवारा ही था, इसीलिए उसे तो मजे ही आ रहे थे। सपना और देवेश बहुत करीब आ गए थे और सपना को लगा कि मेरा तो यही पति होना चाहिए था। उम्र भी लगभग दोनों की बराबर ही थी और शौक भी एक ही जैसे थे। दोनों में ही बचपना बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ विनोद थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, बहुत ज्यादा अच्छा स्वभाव था उसका, क्योंकि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि देवेश और सपना मिलकर उसे इतना बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। उन दोनों ने
विनोद के इसी भरोसे का भरपूर फायदा उठाया। विनोद को रोज रात को थोड़ा शराब पीने की आदत थी, तो कभी कभी देवेश भी उसके साथ पीने के लिए बैठ जाता था। विनोद की ज्यादा हो जाती तो देवेश भी रात में वहीं रुक जाता था। सपना और देवेश सिर्फ विनोद की गहरी नींद का इंतजार करते थे, और जब विनोद सो जाता था वो दोनों साथ में हो जाते थे। दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे थे, पर पूरी पूरी सावधानी रख रहे थे, क्योंकि दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विनोद को इस बारे में भनक भी लगे। देवेश विनोद को धोखा देना नहीं चाहता था, पर सपना के सामने आते ही वो सब कुछ भूल जाता था और दोस्ती पर उसका प्यार भारी पड़ रहा था। और सपना के भी हाल कुछ ऐसे ही थे, वो भी विनोद को धोखा देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तो विनोद अच्छे से रखता ही था और कभी किसी तरह का कोई दुख भी नहीं दिया था। फिर भी विनोद से इतनी दूर थी और देवेश के इतना करीब, इसीलिए दोनों ही यही सोचते थे कि विनोद को किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में अफेयर है। दोनों का यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। हालांकि विनोद के परिवार वाले जरूर बातें बनाने लगे थे सपना और देवेश को लेकर, लेकिन कभी विनोद के मुंह पर किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें बस यही लगता था कि विनोद ने अपनी पत्नी को जरूरत से ज्यादा ही छूट दे रखी है, कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रखा है उस पर। लेकिन ऐसी बातें आखिर कब तक छुपती है? विनोद को भी थोड़ा शक होने लगा, पर उसने शक करने की बजाय अपनी पत्नी से सीधा सवाल करना ही सही समझा। जब विनोद ने सपना से उन दोनों की दोस्ती पर सवाल किया तो सपना साफ साफ झूठ बोल गई। उसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि विनोद उस पर यकीन कर बैठा। सपना ने जब देवेश को सब कुछ बताया कि विनोद को अब उन दोनों पर शक होने लगा है, तब देवेश ने घर में आना कम कर दिया। अब सपना ने बाहर जाना शुरू कर दिया था और दोनों बाहर ही मिलने लगे थे ताकि शक के दायरे में कभी ना आ पाए। इधर देवेश के घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर रहे थे, पर देवेश अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसे भी सपना से प्यार था और वो उसके साथ ही रहना चाहता था। विनोद ने देवेश से तो कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए कभी कभी तो देवेश घर पर आ ही जाता था, पर ऐसे में वो सपना से थोड़ा दूर ही रहता था और सपना भी देवेश को बस दूर दूर से देखकर ही खुश हो जाती थी। 3 साल हो गए थे देवेश और सपना के अफेयर को। अब देवेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। अब इस शहर में रुकने का कोई दूसरा बहाना तो था ही नहीं, नौकरी तो उसे करनी ही थी, इसीलिए दूसरे शहर जाना ही था। सपना तो ये सोच सोच कर ही पागल हुए जा रही थी कि वो देवेश के बिना अब कैसे रहेगी, अब वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे। लेकिन सपना की मजबूरी थी कि वो खुलकर दुखी भी नहीं हो सकती थी, वरना विनोद को शक हो जाता। वो दिन भी आ ही गया जब देवेश चला गया। अब तो देवेश सपना थोड़ी बहुत बातें फोन पर ही करते थे। उधर देवेश के घर वालों ने उसके लिए लड़की पसंद कर ली और उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो भी आखिर कब तक टालता? दूसरे शहर में भी वो अकेला ही होता और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। जब देवेश की शादी की बात सपना को पता चली तो उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि मुझसे दूर होते ही इन्होंने तो अपने लिए लड़की पसंद कर ही ली, कहाँ मैं इतने अच्छे पति के साथ होते हुए भी उन्हें धोखा दे रही हूं। इसकी वजह से उन्होंने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया, इतना विश्वास किया, मेरा इतना ध्यान रखा, और देवेश को तो मौका मिलते ही वो यहां से भाग गया और शादी के लिए हां भी कर ली। आखिर में मेरे पति ही मेरे साथ रह गए। जितना प्यार, भरोसा और विश्वास आंख बंद करके विनोद ने सपना पर किया था, उसके तो वो काबिल भी नहीं थी, क्योंकि उसने तो कभी दिल से विनोद से प्यार किया ही नहीं था और हमेशा अपना सुख बाहर ही ढूंढती रहती थी। लेकिन देवेश की शादी की बात सुनकर उसे इन सारी बातों का बहुत ज्यादा एहसास हुआ और वो भगवान का धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ इन बातों का पता
मेरे पति को नहीं चला। वक्त पर सपना को भी अकल आ गई कि उसके जैसी बेवफा पत्नी के लिए विनोद जैसा पति किसी भी वरदान से कम नहीं था। इस एहसास के साथ ही उसे विनोद से और ज्यादा प्यार हो गया और विनोद की इज्जत उसकी आंखों में और बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी सपना और विनोद की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सपना ने अपनी पत्नी धर्म का पालन किया और उसने जो विश्वासघात विनोद के साथ किया वो किस हद तक जायज था? क्या आप मानते हैं कि विनोद को सपना और देवेश के रिश्ते के बारे में पता चलना चाहिए था? वो जिस बीवी को इतना चरित्रवान समझता है उसकी असली सच्चाई विनोद के सामने क्या आनी चाहिए थी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।